बेसिकली वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3.1. दिस इज द थर्ड यूनिट. इसका मतलब आपका फर्स्ट यूनिट भी पूरा हो गया है, सेकंड यूनिट भी पूरा हो गया है. तो फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, और कौन से लेसन थे? जॉन ऑफ आर्क एक लेसन था, ऑल वर्ड्स अ स्टेज, थीफ स्टोरीज, फिर अल्केमी ऑफ नेचर. कुछ छूट गया है जो मेरे से? अब सेकंड यूनिट में हमने देखा एनिमल्स, फिर कैलाश सत्यार्थी जी का लेसन देखा हमने, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी देखा, कनेक्टिंग द डॉट्स देखा, ये सारे लेसन देखे. कुछ छूट, एक दो छूट भी गए होंगे मुझसे. और अभी थर्ड यूनिट चालू कर रहे हैं हम. तो थर्ड यूनिट का पहला है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन. स्कॉर्पियन का मीनिंग क्या होता है? बिच्छू. बिच्छू, राइट, इट्स बिच्छू. ये बुक निकाली है मैंने, इसका फोटो आपको दिख रहा है क्या कैमरे पे? बिच्छू का फोटो है इसमें, आपको दिख रहा है क्या? देखो मैंने वो करके रखे हैं उंगली, दिख रही है क्या? यस सर. बिच्छू. तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन किंग का पहला वाला है गिव इनटू, गेट इनटू पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग विद योर पार्टनर एंड कंप्लीट द टेबल. मेनी पीपल आर सुपरस्टिशियस. This means that they have belief for which they have no logical reason. ऐसे होता है ना, जैसे बिल्ली रास्ता कटते गए तो अपशकुन होता है. हाँ. फिर मैंने झूठी कसम का एग्जाम्पल बोला था, झूठी कसम खाए मदर की तो मम्मी, मैंने एग्जाम्पल दिया ना क्लास में. Yes, sir. हाँ, yes, sir. तो और क्या बोलते, ऐसे तो हमने बहुत सारे झूठे कसमे खाए होंगे, हर टाइम खाते होंगे खेलते खेलते. खाए होंगे ना बहुत सारे खेलते खेलते. तो चाहे किसकी भी हो, गॉड प्रॉमिस तो बहुत बार झूठे खाते हैं. फिर अगर एग्जाम में कोई आंसर नहीं आया तो हमें फिर याद आता है कि हमने तब गॉड की झूठी प्रॉमिस खाई थी, इसकी वजह से हमारा आंसर गायब हो गया. अभी चलो मेक अ लिस्ट. सुपरस्टिशन बहुत सारे है ना, बिल्ली रास्ता काट के गए, बिल्ली रास्ता काट के गए तो इतने बार वो रास्ता काटा है बिल्ली का, ये कुछ अपशकुन होता ही नहीं है. An example of superstition is that walking under the ladder. कौन है ये? अथर्व है क्या? Walking under a ladder brings bad luck in pairs. अथर्व म्यूट कर ले अपने आप को, आवाज आ रही है. स्नेहा, यू ऑल्सो. स्नेहा के बैकग्राउंड में से म्यूजिक आती है. In pairs, list any superstition that you know. अब superstition है smashing the mirror. Bring 7 years of bad luck. 7 साल का bad luck. किसी बच्चे ने third standard में. क्रांति, क्रांति, क्रांति mute कर दो सर. ओके, स्मैशिंग द मतलब अगर किसी बच्चे ने थर्ड स्टैंडर्ड में मिरर तोड़ दिया तो मतलब क्या बोलते हो उसको, वो तो कभी पास होगा ही नहीं. सपोज फॉर एग्जांपल तुम्हारा भी 10th स्टैंडर्ड है, 10th स्टैंडर्ड में अगर तुमने मिरर तोड़ दिया, इसका एग्जांपल ले लो, सपोज अथर्व ने मिरर तोड़ दिया और अगर इसके हिसाब से अगर पक्का हो गया 7 साल का बैड लक, तो इसका मतलब बैड लक बोले तो अथर्व तो पास हो ही नहीं. बैड लक बहुत सारे टाइप के, मैं तो पास वाला बोल रहा, 7 साल बुरे चीजें होने वाले, 7 years इज वेरी बिग डील. तो दिस इज ऑल सुपरस्टिशन, ऐसे कुछ होता नहीं है. वो देखते ना बकरों की बलि चढ़ाना, वो भी एक टाइप ऑफ सुपरस्टिशन था पहले के लोग. इसमें आपने गौतम बुद्ध की स्टोरी सुनी होंगी, सुमेद ने तो पक्का सुनी होंगी ये स्टोरी कि गौतम बुद्ध, वो सुमेद? यस सर. वो कौन सी स्टोरी थी? वो गौतम बुद्ध एक दिन जा रहे थे सिद्धार्थ अपने इसमें रास्ता कर दिया था तब उन्होंने, तो कहीं तो भी जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी बहुत सारी बकरियां लेके जा रहा, एक राजा बलि चढ़ा रहा था. क्या स्टोरी है वो पता है? सर नहीं. सर नहीं ना, वो देखेंगे. मैं बता था तुम्हें कल, अगर वो स्टोरी मुझे याद रही आज देखने के लिए. तो अब नेक्स्ट वाले इसमें लिखो, सेकंड वाले इसमें तुम्हारे बुक में लिख डालो, वॉकिंग अंडर अ लैडर. वॉकिंग अंडर अ लैडर, सीढ़ियों के नीचे से चलना, ब्रिंग्स बैड लक. अरे मुझे अभी समझा,
हमारे पानी की जो टैंक है वो उसमें सीढ़ियां ऐसी, सपोज ये ऐसी है पानी की टैंक और उसकी यहाँ पे ऐसी सीढ़ी लगी हुई है और मैं उसके नीचे से बहुत बार जाता है, इसलिए मेरे साथ बैड लक होता है हर टाइम। अभी समझा मुझे? आंसर में व्हाट इट इंप्लाइज में ब्रिंग्स बैड लक है। फिर थर्ड वाला है अ ब्लैक कैट क्रॉसिंग योर पाथ अ बैड ओमेन। होने के दिया बुझना बुझना, आरती की थाली लेके आए दिया बुझ जाता। तुमने रामायण देख में देखा होगा ना, रावण जा रहा था लड़ाई करने के लिए, एंड वाली लड़ाई, तो दिया बुझ जाता है। हाँ सर। अब शगुन देखा है। अब फोर्थ वाला इसमें लिखो ट्विचिंग ऑफ ऑफ द आई ब्रिंग्स बैड लक। ट्विचिंग ऑफ द आईज मतलब क्या, मीनिंग क्या है ट्विचिंग का, पता है किसको? ट्विचिंग ऑफ द आई, टी डब्ल्यू आई टी सी एच आई एन जी। याद करो, याद रखो कि ये है ना एक डिस्कशन वाला है, हमारा अपॉर्चुनिटी मिल रही है डिस्कशन करके। कुछ नॉलेज तुम्हारे पास भी होगा, कुछ नॉलेज मेरे पास भी होगा, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सर पिचिंग मतलब वो फड़फड़ करना, बोलते हैं क्या, मेरी एक आँख चालू बंद हो रही है। चालू बंद हो रही है, आँख फड़कना। हाँ वही वही, आँख फड़कना उसको हिंदी में बोलते क्या, तो उसको बोलेंगे उसका ये है व्हाट इट इंप्लाइज है ब्रिंग्स बैड लक, बैड लक लाता है वो। अब स्वीपिंग योर हाउस आफ्टर सनसेट, सूरज डूबने के बाद अपन बोलते हैं ना शाम संध्या का अच्छा वेळेस क्या बोलते, झाड़ू ने मारना, झाड़ू ने मारना। तो बोलते लक्ष्मी जी ने आते घर में, गॉडेस, उसका आंसर है गॉडेस लक्ष्मी विल वॉक आउट। अतर भी तेरा फ्रेंड आ गया आज, कौन? प्रतीक लोखंडे। हे ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर क्या? लाली लाली, ये रिकॉर्ड हो रहा है, लाली लाली बीपी। चल सिक्स्थ वाला, गोइंग नियर अ पीपल ट्री एट नाइट, पीपल का झाड़ उसके पास रात को गए तो क्या होएगा? फाइव बस हो गए ना, बस हो गया, ठीक है चलेंगे। तो छह साथ दिए हैं इसलिए इसलिए दे रहा था मैं। अरे स्नेहा के पास तो है ही है, स्नेहा सुनती होंगी आवाज मेरा। चलो ये हो गया, नेक्स्ट वाला है सेकंड वाला, ब्रेनस्टॉर्म, ब्रेनस्टॉर्म व्हाट यू नो अबाउट स्कॉर्पियंस, यूज द गिवन पॉइंट बिलो, हाउ दे अटैक, कैसे अटैक करते। सर उसे पुश से और सामने के दो किससे, पंजे से। तो वैसे अपन हिंदी में नहीं लिख सकते ना, विद इज, इधर आंसर दिया आइदर विद इज टेल एंड विद इज, क्या बोला बोलना एक बार फिर से बोल। सर विद इज टेल, यूज इज टेल, तो इधर दिया हुआ है आइदर क्रश देयर प्रे, प्रे बोले तो शिकार, पी आर ई वाई होता है, ये पी आर ए वाई नहीं हो सकता, ये वो ये वाला होता है प्रे वाला, और इंजेक्ट इट विद वेनम, वेनम बोले तो जहर, और दे अटैक यूजिंग देयर आगे। प्रतीक, हेलो प्रतीक। यस सर। वन सेकंड, पिंसर टू होल्ड डाउन द प्रे, दे देन दे स्टिंग स्टिंग इट, स्टिंग इट, दंश मारना उनको, फुल स्टॉप। इफ यू स्टेप ऑन अ स्कॉर्पियन इट विल स्टिंग यू स्ट्रेट अवे, ये तो सांप भी करता है ना। Of their appearances, have eight legs, comma a pair of pincer and a narrow, comma segmented tail ending in a venomous stinger. उनका appearance के बारे में लिखो और फिर बाद में any more information about them. Most people associate them that with poisonous stings. Semicolon. अबे वहाँ कॉम, हाँ बोलो। Venomous का मीनिंग क्या है? Venomous का venom जहरीला। प्रतीक। Yes sir। English की textbook है तुम्हारे पास? हाँ sir। English की textbook में page number क्या page number है? 100, 100 निकालो page number 100। Yes। लिखा तुमने any more information about
देन के में लिखो मोस्ट पीपल एसोसिएट देम विद पॉइजनस स्टिंग्स सेमीकोलन हाउएवर कॉमा मोस्ट ऑफ द स्टिंग्स डू नॉट प्रेजेंट अ सीरियस थ्रेट एंड मोस्ट हेल्दी पीपल डू नॉट इवन नीड मेडिकल ट्रीटमेंट आफ्टर बीइंग स्टक फुल स्टॉप दे हैव लॉन्ग लाइफ स्पैन्स कैन सर्वाइव एनीथिंग अ ईयर विदाउट फूड ईट एनीथिंग ग्लो इन डार्क नजरे में चमकना Where they live, found on all continent except Antarctica. Antarctica में ज़्यादा ठंडी रहती है. Semicolon, live everywhere except in very cold places. Semicolon, hide under logs, comma rocks, comma clutter, comma trees and sands. Semicolon, also live in burrows. अब तुम next वाली जो poem देखेंगे, लिखा क्या सबने हाँ? अंतरा? हाँ सर. लिख डाला ना? किसने भाव बोला? नहीं इनका इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे अपन आपका था इसका प्रोनाउंसिएशन बोलो बोला एक बार ये पढ़ जाए पोएट का नाम किसका पोएट का नाम स्क्रीन दिख रही है ना मेरी निजाम आप ही देख रहे हो सर हाँ जो पोएट का नाम है वो लेके बताओ ना मुझे एक बार रुको सर निसीम एज़िकिल बस एक अभी सुनो इसको सुनो क्या बोलता बराबर बोले अंतरा ने एज़िकिल निसीम एज़िकिल अंतरा ने सही बोली अंतरा को प्राइज मिलेगा लॉकडाउन के बाद इसके लिए निजिम एज़िकिल वाज एन इंडियन ज्यूइश पोएट ज्यू सब तुम्हारे को मालूम है वो हिटलर ने जिनको कंसंट्रेशन कैंप में मार दिया था बट ये बच गया था ये कौन है प्रतीक के बाजू में पोएट एक्टर प्ले राइटर एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक ही वॉज फाउंडेशनल फिगर इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया पोस्ट कॉलोनियल इंडिया मतलब जब कॉलोनीज ब्रिटिश कॉलोनीज इंडिया वाज अ कॉलोनी ब्रिटिश का रूल था उसके ऊपर अभी ब्रिटिशर्स जब फ्रीडम दिए इंडिया को अब कॉलोनी नहीं रही तो उसके बाद उसको वो पीरियड को क्या बोलते हैं पोस्ट कॉलोनियल इंडिया लिटरली हिस्ट्री स्पेसिफिकली फॉर इंडियन राइटिंग ऑफ अ वाइडर रेंज द पोएट डिपिक्ट्स द सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर हु इज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन अब उसकी मम्मी को क्या बोला था काट लिया था उन्होंने उन्होंने बोले तो इतना इज्जत नहीं देना स्कॉर्पियन ने काट लिया था चलो आई रिमेम्बर दैट नाइट माय मदर वाज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन किसने काटा था स्कॉर्पियन ने काटा 10 आवर्स ऑफ स्टडी रन हैड ड्रिवन हिम टू क्रॉल बीनीथ अ सैक ऑफ राइस अब बारिश आएंगी जैसे बोला ठंडे मौसम में नहीं रहता वो राइट है वेयर दे लिव में अपन लास्ट इसमें इन्फॉर्मेशन देखा ना एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में नहीं रहता हो तो एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में नहीं रहेगा मतलब बारिश गिर रही बाहर बारिश गिर रही उसको मालूम है पानी गिर रहा है और ठंडा है तो वो कहाँ जाके आएगा घर के अंदर ही घुस जाएंगे और घर के अंदर पोएट के सैक ऑफ राइस था क्या बोलते बोरी काई की चावल की बोरी उसके उसके बिना तो वो जाके छुप गया पार्टिंग फ्रॉम हिज पॉइजन पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम वो जो स्कॉर्पियन का डायग्राम बताया था ना मैंने डायबोलिक टेल मतलब डेविल टेल ये हां ये देखो इधर दिया हुआ है डायबोलिक का डेविल क्वालिटी हैविंग द क्वालिटीज ऑफ डेविल और विकेट क्या प्रतीक क्या बोले नो सर दैट मीनिंग्स ओके हां तुम्हारे बैकग्राउंड में से आवाज आ रहा है सर वो बाहर चालू है अभी मैं गांव को था अब भी आया नहीं इसलिए ज्वाइन हो गया सर मीटिंग को अब जैसे क्या बोलते हैं उसकी मदर आई वो सैक ऑफ राइस चावल लेने के लिए आई होंगी तो वैसे ही उसने अपने टेल से क्या अटैक करा अथर्व ने भी बोला ना बोला था मुझे कि वो टेल से अटैक करता है कुछ
मार डालता है टेल से, तो उसने टेल से अटैक करा और मम्मी के अंदर क्या चले गया, पॉइजन चले गए, पॉइजन आ गया पूरा। अब मम्मी बेहोश हो गई, अब जैसी मदर उधर चक्कर आके गिर गए होंगे तो सब बच्चे क्या बोलेंगे, भाग के गए होंगे और जमजम घर में चिल्लाने का आवाज आ गया होगा, राइट। तो अभी उसकी मदर उधर गिरी हुई, चिल्लाने का आवाज आया और उसके बाद ही तुरंत क्या हुआ, अब आवाज आया तो आजू बाजू के लोग जैसे गांव में देखे ना, अगर एक जगह चिल्लाने का आवाज आया तो सब जगह भाग के आ जाते, अगर अपार्टमेंट में किसने चिल्लाया तो कोई भाग के नहीं आएगा, बोलेगा जान दो उनके घर में, वन दो क्या हो रहा था। पर गांव में तुमने देखे होंगे, गांव में तो भाग के जाते एक दूसरे के घर में, हम देखो गांव में एंट्री मारते विलेजेस में तो सब लोग ऐसे घूर घूर के नजर से देखते रहते हमें, ऑब्जर्व करा है कभी? यस, ये फोन आ गया बोल के, ऐसे की जैसे ऐसे देखते जैसे कि अपन कोई एलियन ही छे। मेरे गांव में जाता है कौन से, एलोरा में जाता हूँ, एलोरा में जैसे एंटर करता हूँ तो उधर तो क्या बोलते घर के बाहर औरतें वगैरह बच्चे खड़े रहते, वो जैसे अपन एंटर होते ना गांव में तो वो एक रिस्पेक्ट आदर से वो खड़े हो जाते, जैसे कि राजा महाराजा आ गया, और इधर सिटी में तो कोई मेरे को देख के खड़े भी नहीं रहता, जैसे मैं मेरे सोसाइटी में एंटर करता तो सब लोग तो बच्चे और गाड़ी के बीच में आने की कोशिश करते, पर गांव में बाजू में हट जाता है। द पीजेंट केम लाइक स्वार्म ऑफ फ्लाइज, कहीं के जैसे मक्खी की जैसे। अब इसको कौन सी फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे, पर्सनिफिकेशन तो नहीं है क्योंकि मक्खी मक्खी भी लिविंग मेटाफर बोलेंगे ना, राइट अंतरा? सिमिली, हां लाइक भी है ना, सिमिली भी हो सकते हैं, मेटाफर और सिमिली इज मोर एप्रोप्रिएट, मेटाफर भी है क्योंकि इधर कंपैरिजन करे हुआ है ना, पर सिमिली इज मोर एप्रोप्रिएट, लाइक वर्ड आ गया ना तो सबसे इजी। एंड वाज द नेम ऑफ अ गॉड 100 ऑफ टाइम्स टू पैरालाइज द इविल वन, भगवान का नाम लिया कितने बार, 100 बार भगवान को, भगवान का नाम लिया, हे भगवान बचा ले वो, विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शैडो ऑन द मड बेक्ड वॉल्स, मतलब अभी स्कॉर्पियन को ढूंढने लग गए वो जिसने काटा था, वो रहता होगा कुछ प्रोसीजर उतारने का, जहर उतारने का स्कॉर्पियन का, विद कैंडल्स वो लाइट से ढूंढ रहे थे, मड बेक्ड वॉल्स समझ गए तुम्हारे को, वो क्या बोलते हैं मराठी में, बोलते रहता सारे वहां रहता ना बोलते ना इसे, सारा। तुम्हारे गांव में है क्या बीबी वैसी घर अवेलेबल? हाँ है सर, अपने इधर तो नहीं है, अपने इधर तो डिफरेंट, प्रतीक घर तो अलग अलग कलर का दिख रहा, उसके टेरेस भी अलग कलर का है और ये दीवार भी अलग कलर की है, मेरा भी वैसी है, व्हाइट कलर का टेरेस है और ये ऑरेंज कलर की दीवार है, दो टाइप की दीवार, एक येलो और एक ऑरेंज, किसके आपके आपकी क्या? They searched for him. He was not found. They clicked their tongues. उन्होंने क्लिक करे अपने टंग्स, मजा आए ऐसे आवाज कर रहे ना, उसको क्लिकिंग द टंग बोलते, आवाज आ रही है मेरी? With every moment that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said. क्या बोले उन्होंने? आगे देखते हैं। May he still sit still, they said. May the sins of your previous birth be burned away tonight. अब previous birth किसने देखा है, next birth भी किसने देखा है पता नहीं, हमने तो यही birth देखा पर वो क्या बोले, स्कॉर्पियन एक ही जगह रहना और तुम भी एक जगह रहो ताकि वो ब्लड है ना अंदर ना जाए, और जैसे जैसे बॉडी में पास हो रहा था वैसे वैसे पेन हो रहा था, तो गांव वाले क्या बोल रहे थे कि है ना जो तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म होंगे ना बुरे कर्म, उसका ही तुम फल भुगत रहे हो। May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. May suffering decrease, तुम्हारी तकलीफें दूर हो। The misfortune of your next birth, तुम्हारे अगले जन्म में जो जो कर्म रहेंगे तुम्हारे, तुम्हारे को जो बुरे कर्म का फल, बुरे कर्म का फल, वो अभी तुम्हारे नील हो जाएंगे। अगला जन्म किसने देखा है क्या पता, सब तो बोल रहे थे उससे सारी को दुनिया खत्म होने वाली है, मैं उसी इंतजार में था, पर क्या मिस कॉल देके चले गए वो बाजू से, उल्टा 30 तारीख बोलते कुछ 30 तारीख को उल्टा न्यूज आ गई कि दुनिया खत्म नहीं पर ऋषि कपूर खत्म हो गए, ऋषि कपूर गया और भी एक हीरो गया, इरफान खान गया। मैं तो क्लासेस ही ले रहा था तब, तो
तब साइड में वो एक तुम्हारे को वीडियो बता रहा था यूट्यूब पे, तभी आ गया तुम्हारे को ने एड्स को बता रहा था तभी सामने आ गया। मैं बोला पूछते कोई तो मजाक कर रहा हूँ क्या चालू था। मैं यू आर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ दे सेड मे सम ऑफ ऑल इविल्स बैलेंस इन द अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड। जो तुम्हारे बुरे कर्म है और अच्छे कर्म है, वैसे तो हमारे बुरे कर्म इतने रहते हैं, इतने ज्यादा तराजू देखेंगे तो, और अच्छे कर्म देखेंगे ऐसा वजन आएगा तराजू में उसका। तो वो बोलते हैं कि ये जो स्कॉर्पियन ने काटा और जो तुम्हारे को दर्द हो रहा, तो उससे क्या होगा, ये जो तराजू है ना वो इक्वल हो जाएगा बुरे और अच्छे। मे द सम ऑफ इविल, हाँ हो गया, बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, हाँ वो समझाया अभी, तुम्हारे दर्द से वो कम हो। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर ब्लड, पॉइजन से क्या होता मालूम, मेरा ब्लड प्यूरिफाई फ्लैश प्यूरिफाई होता, मालूम नहीं था हमारे को अभी तक। आचार्य चाणक्य पिलाते थे ना बिंदुसार को जहर, सुना है? आवाज नहीं आ रही मेरी, हेलो? आ रही है सर, बोलो। फिर से बोलो सर। आचार्य चाणक्य बिंदुसार जो थे ना सम्राट बिंदुसार अशोका के डैडी, तो जहर पिलाते थे पता है क्या? मुझे इतना नहीं पता, पर थोड़े थोड़े क्वांटिटी में, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में, ऐसे इतने सारे एक साथ पिलाएंगे तो जाएंगे वो, पर वो थोड़े क्वांटिटी में पिलाते थे, मतलब वो बॉडी को आदत हो जाती ना जहर की। हाँ मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है, मैसेज आया था मेरे को अभी व्हाट्सएप पे, इसलिए दे सेड एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद द मदर इन द सेंटर, मम्मी को बीच में और उन्होंने घेर लिया और वो जापने लग गए होंगे कुछ तो भी। The peace of understanding on each face. और क्या अंडर, अभी देखो हाँ, जैसे जैसे जहर बढ़ने लग गया ना बॉडी में, तो उन्होंने क्या कर रहे, और कैंडल्स लाए और लैंटर्न्स लाए, मोर नेबर्स मोर इंसेक्ट्स एंड एंडलेस रेन। अब बारिश भी गिर रही थी और उसके साथ साथ ज्यादा कहर थोड़ा सा नेबर्स का, लैंटर्न्स का और कैंडल्स का, और उनको इंसेक्ट्स बोला उसने। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन द मैट, ग्रोनिंग बोले तो दर्द से, वो नहीं बोलते क्या बोल कराना कुछ तो भी दर्द से उसको बोलते ग्रोनिंग। माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट, अब उसके डैडी को लग रहा था कि ये सब बकवास है, उसको डॉक्टर ही बचा सकता, पर वो भी क्या करे, वो अकेला था और इतने सारे जनते। स्केप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्केप्टिक? हां स्केप्टिक बोले तो उसको डाउट, उसको क्या बोलते हैं, अगर सपोज अब उसका एग्जांपल दूं, मैं ये पोयम का लेता, अगर वो ये गिरी थी उसकी उसकी मदर, और ये गांव वाले क्या बोल रहे थे कि हम ये सब चीजें करेंगे ना, लैंटर्न्स वगैरह कैंडल्स लाएंगे या उसको कर्स देंगे तो वो ठीक हो जाएंगी उसकी मम्मी, तो ऐसी चीजों से ठीक होती है क्या? नहीं ठीक होती है। तो तुम उसके बारे में क्या रहेंगे, तुम्हारा जो ओपिनियन रहेगा वो स्केप्टिक रहेगा ना, स्केप्टिज्म बोलते उससे, तुम डाउटेड रहेंगे वो, समझा? अभी स्केप्टिक का मीनिंग ऐसे बहुत सारे, ऐसे बिल्ली रास्ता काटने काट के गई तो वो क्या बोलते, हाँ ये क्या नहीं होता। ओ माय गॉड मूवी देखी? ओ माय गॉड यस सर। ओ माय गॉड में देखो परेश रावल की वाइफ बोलती उसको कि उसकी बेटी बोलती बोले आपने कल जो पाप करा है, बोल के बोले कान्हा जी मक्खन खाएंगे बोल के, उसके लिए मेरे मम्मी ने व्रत रखा है बोल के आपके पाप धुल जाने, वो बोलता वाइफ है क्या हम दोनों के बीच में ऐसे बोलता ना। तो ऐसी जो जो चीजें बिलीव नहीं हो सकती हमें, और उसपे क्या बोलते हैं, उसके ऊपर बिलीव नहीं ट्रस्ट नहीं कुछ भी, उसको बोलते स्केप्टिसिज्म, समझा? रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड, ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन, पैराफिन वो बोले तो वो दवाई रहती है पाउडर रहता, अब उसके पति ने पोर करा, ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन अपॉन द बिटन टो एंड पुट टू मैच टू इट, आई वॉच द फ्लेम फीडिंग माय ऑन माय मदर, I watched the holy perform his rites to tame बोल तो पालना, ये जो तुम डॉग पालते ना कुत्ते घर पे, तो उसको जो डोमेस्टिकेट करते हैं उसको बोलते टेमिंग, टेम द पॉइजन ऑफ द इनकैंटेशन, क्या इनकैंटेशन है ना, इनकैंटेशन बोलते तो चैंटिंग ऑफ वर्ड्स क्लेम टू हैव मैजिकल पावर,
उस टाइम मंत्र बोलते ना पावरफुल, ओम बट स्वाहा, सुना होगा तुमने बचपन में? प्रदीप हैंग हो गया क्या? नहीं सर, हूँ. After 20 hours, it lost its sting. मतलब 20 घंटे के बाद उसने उसकी पावर खत्म कर दी. काहे की वजह से? वो पाउडर वगैरह शेयर स्प्रेड कराऊंगा उसकी वजह से, वो मंत्र फूकने की वजह से नहीं. नहीं तो हम लोगों ने तो मंत्र बचपन से फूकते आए होंगे कि स्कूल को छुट्टी रहना, बड़े छुट्टी रहना. पर छुट्टी कब मिली? आज ही मिली हमारे को, वो भी 3 महीने की. भगवान बोले होंगे कंबाइनली छुट्टी लो 3 महीने की. इस बार बच्चों को गर्मियों की छुट्टी नहीं. वैसे तुम लोगों को गर्मियों की छुट्टी नहीं थी, 9th स्टैंडर्ड तक थी. पर तुम्हारे कर्म वो बोलेंगे 9th 10th स्टैंडर्ड ने हमारे को बद्दुआ दी तो क्या बोलते, हमारी भी छुट्टी कैंसिल हो गई बोलते. नहीं, सबको छुट्टी है ना अभी, टीचर को छुट्टी, उनको भी छुट्टी है अभी 10th स्टैंडर्ड को, 3 महीने की है ना. प्रत्येक दिन भर तो पबजी खेलते होंगे ना आप? नहीं सर, पबजी नहीं खेलता. मालूम है बाद में सबके स्कोर हाई रहने वाले. छुट्टी के बाद मैं पूछूंगा सबको किसने कितना कितना स्कोर करा. अथर्व को पूछूंगा और बहुत सारे जनों को पूछूंगा. सुमित तो छुपके बैठा हुआ है. बाकी गजानन वो ज्वाइन हुए क्या मीटिंग को? नहीं, वो कोई नहीं हुआ. जितने आते ना उतने ठीक, जितने नहीं आते उतने ठीक, उतने भी ठीक. अंतरा तो स्टार्टिंग से, अंतरा स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से आया था. अंतरा नहीं, फर्स्ट डे नहीं आया, पॉसिबल नहीं हुआ. मेरा कनेक्ट नहीं हुआ था फर्स्ट डे, कनेक्ट नहीं हुआ था. सेकंड डे कनेक्ट हुआ था अंतरा का. ईश्वरी थी फर्स्ट डे, ईश्वरी क्रांति. अभी क्रांति का कनेक्ट नहीं हो रहा. माय मदर सेड, ओनली सेड, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन. मेरे बच्चे को नहीं काटा, उसके लिए थैंक यू. और इसके साथ हमारी पोयम खत्म हुई. ये वाली छोटी सी थी ना पोयम? यस सर. अभी हम क्या करेंगे, इसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. इंग्लिश वर्क कितने सारे दिए हैं क्वेश्चन आंसर्स? चलो बोलो. आफ्टर रीडिंग द पोयम कंप्लीट द फॉलोइंग, व्हाट हैपेंस? देयर आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द पोयम, डू यू नो? What they are about. The first one is done for you. 1-7 line. The scorpion comes into the home. Scorpion comes as a friend. अब इसमें meaning बताना है तुम्हें. It से 33-1 line में क्या होता? पढ़ो. 1-7. Line number दे दो आपके textbook में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. मतलब इसका मीनिंग दिया है. इसका मीनिंग क्या दिया है? स्कॉर्पियंस कम के बाद में वो लोग आते हैं इनटू होम एंड एस्केप्स. अब 8 से 33 ना 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 क्या बोला है? वो लोग आएंगे, वो सिंपैथी दिखाते मदर के साथ. अरे रे, बहुत बुरा हुआ इसके साथ. सिंपैथाइज विद द मदर एंड ऑफर कंसोलिडेशन सॉल्यूशन इन वेरियस वेज. मोर नेबर्स केम इन टू हेल्प विद मोर कैंडल्स एंड मोर लैंटर्न. आपको मेरी डबल आवाज आ रही है क्या? अभी आ रही थी. अभी अभी आ रही थी सर. अभी नहीं आ रही. क्या मैं बोलना रोदा तो तभी नेक्स्ट वाला क्या बोला? 33-48 वाला लाइन ना? यस सर, 34-48. हां, उसमें लिखो द फादर इज डेस्परेट. द फादर इज डेस्परेट. फादर इज डेस्परेट and thought and
He is a rationalist. He tries all sort of things to cure the mother. Full stop. He calls a holy man to perform rites. The class is getting on. And even sets fire. Sets fire to the beaten toe. Full stop. After 20 hours, the scorpion loses its sting. Full stop. All that the mother says is that she is thankful to God that the scorpion picked her children. ये वाला हो गया हमारा. अब नेक्स्ट वाला, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. क्या है ये? बैकग्राउंड सेटिंग ऑफ द पोएम, एविडेंस, कोट लाइन, रूरल पब्लिक अर्बन. रूरल में क्या बैकग्राउंड था? फर्स्ट वाला लिखो उसमें. रूरल में फर्स्ट, इधर वन नंबर दे दो. Groaning on mat. Groaning on a mat. Second one usme. Trying every curse and blessing powder. Mixture herb. And hybrid. Third one. I watch the holy man perform hits his rites, rites. Okay, अभी ये तुम exit करो और तुरंत ही rejoin हो. मैं next वाला next इसमें बताता. Okay, bye. I am exiting the meeting. लगे join हो मुझे, हाँ.